अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी एंड यू आर वॉचिंग कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। पाकिस्तान हैज सफर्ड अ ह्यूमिलेटिंग लॉस अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द फर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन। द डिफीट हैज पुट पाकिस्तान इन रीचिंग सेमीफाइनल्स इन जेपर्डी। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन एंड आउटप्लेड पाकिस्तान इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम टू स्टर्न द 2022 रनर अप्स। और पाकिस्तान से क्या गलतियां हुई हैं, किस तरह से कम बैक कर सकते हैं, पाक भारत टाकरे में इस टीम का क्या होने वाला है, फैंस कितने नाराज हैं, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन टूडेज शो। एंड टू स्टार्ट आर डिस्कशन वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आर स्टूडियोज टूडे। आई एम जॉइंड बाई सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। अली सर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई एम ऑल्सो जॉइंड बाई क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो एज वेल। थैंक यू अली भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार स्ट्रेट अवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहाब रियाज, में नाम लेके बात करूंगा क्योंकि आज मैं अपने आपको बड़ा ब्लेस फील कर रहा हूं कि आज इस सियाह तरीन दिन मैं उस कुर्सी पर नहीं हूँ, इस कुर्सी पर हूँ, तो मुझे बड़े आसानी के साथ अपना मौकफ देने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिस तरह इंडिविजुअल गेम को प्रमोट कर रहे थे, वो किसी के जो है वो 3000 रन के ऊपर जर्सी दे रहे थे, किसी को 4000 रन के ऊपर जर्सियां पहना रहे थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को वो सपोर्ट कर रहे थे। वहाब रियाज के, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से हाथ में उनके दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में वो सो कॉल्ड सहाफ़ी के जो एंड्रॉयड जर्नलिस्ट हैं, 15000 का एक मोबाइल खरीदा, एक 3000 रुपये का माइक खरीद लिया, उसके बाद वो जर्नलिस्ट बन गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जर्नलिस्ट समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी बात सुनता है। अभी ये जब असगर भाई बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इतनी अहमियत नहीं देता है जितने वो ये 15000 के मोबाइल रखने वाले जर्नलिस्ट को, कि जो पाकिस्तान हार रहा होता है और वो हारने के बाद ये कह रहे होते हैं कि जनाब के आप छोड़ें, हार को छोड़ें, बाबर आजम के देखें 3000 रन हो गए, क्या हुआ? अगर पाकिस्तान हार गया तो कोई बात नहीं है, बाबर आजम तो अच्छा खेला है, नसीम तो अच्छा खेला है, शाहिन शाह आफरीदी तो अच्छा खेला है, और साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए दो क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट का तियापाचा कर दिया, आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हारने पे अफसोस हो रहा है। रमीज राजा जब चेयरमैन थे पूरी क्रिकेट की बागदौड़ उनके हाथ में थी, क्या किया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कि पाकिस्तान को जीतना देखना चाहते हो, जीतते देखना चाहते हो, या बाबर आजम की कवर ड्राइव देखना चाहते हो? बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं उससे शादी कर लूं, अब करो ना अपना वलीमा जाके अमेरिका में मनाओ, वहां पे जाके हनीमून करो, वहां पे शादी, यहां पूरी कौम बैठ के रो रही है। दूसरी तरफ वकार यूनुस, बारियां लगी हुई हैं लोगों की, बारियां ले लेके जो है वो कभी बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, कभी कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाते हैं। क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया। क्रिकेट का सत्यानाश उस दिन हुआ कि जिस दिन आपने सरफराज को कप्तानी से हटाया। क्रिकेट का ये जो आप कह रही है ना, पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान ने डिड मिस्टेक, इट्स नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक, इट्स अ सीरीज ऑफ एरर, इट्स द कॉमेडी ऑफ एरर, ये एक पूरी चेन चली है। और दूसरा सत्यानाश पाकिस्तान का स्वाद हुआ जब शाहिन शाह आफरीदी को आपने कप्तानी से हटाया। ठीक है, और असगर, व्हाट इज योर टेक, क्या गलतियां की हैं पाकिस्तान ने कि मैच गले पड़ गया? पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वर्ल्ड कप खेलने गया, उसे वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी तो की नहीं। उसने तो समझ लें कि कोई भी दुनिया में ऐसा कोई मुझे टीम बता दें ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले कप्तान चेंज करता हो, नहीं है। एक वन मैन शो को लेकर आपने बाख्तियार मिन्नतें करके आप जो है बाबर को कप्तान आपने बनाया, मिन्नतें करके आप आमिर को 4 साल के बाद लेकर आए, मिन्नतें करके आप उस्मान को अपनी टीम में लेकर आए कि यूही को छोड़ दो, मिन्नतें करके आप अम्माद वसीम को लेकर आए। ओ भाई, दुनिया भर में मजाक उड़ाने वालों, अपने ही टीम का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हें इन लोगों को ला के क्या मिला? क्या बाबर आजम ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया? 43 बॉलों पे 44 रन, 100 रन की स्ट्राइक इस टीम पर, ये और फिर कहते हैं हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें जदीद क्रिकेट खेलनी चाहिए। और भाई, मॉडर्न और जदीद क्रिकेट है क्या? तुम्हें ये तो ये तक नहीं मालूम और तुम्हें टीम का कप्तान बना दिया। आप मुझे बताएं कि कल जो है आप टॉस हार गए, ठीक है, लेकिन आपके बैटिंग ऑर्डर देखें आप, कि बैटिंग ऑर्डर सही था क्या? इफ्तिखार को ऊपर नहीं भेजना चाहिए था पहले? इफ्तिखार को क्यों नीचे भेजा? क्या आपको जो है हारिस को वहां भेजना जरूरी था? उसको जरूरी था हारिस को इफ्तिखार से पहले भेजना? नथिंग। लेकिन आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया इस टीम का, जिस तरीके से ये टीम खेली है, नौ मौलूद अमेरिकन टीम के आगे आप ऐसे बिछ गए, ऐसे लेट गए जैसे वो आपके सारे कर्जे माफ कर रहा है। और भाई, किस लिए गए थे वहां पे? टीम से खेलने के लिए गए थे? क्या करने गए थे वहां पे? ये हाल है आपका? आप मेरे को ये भी नहीं समझा कि ये कलर पहन के गए थे ना? क्या क्या आपने इसकी इज्जत रखी है? आपने
ये इसके लिए लड़ते हैं ना, इसी से खाते हैं, इसी से पहनते हैं, इसी से पैसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इसकी एक इज्जत नहीं रख सके, एक अमेरिका की टीम को आप हरा नहीं सके। ऐसा लग रहा था आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। और खौफ में खुदा करो यार, कम अज कम अपना नहीं तो इस वर्दी का ख्याल करो। तुम लोग तो इस तरह से क्रिकेट खेल रहे हो जैसे 24 करोड़ आवाम को अस्पताल भिजवाओगे। माफ कर दो यार, माफ कर दो, तो अपनी पहली टिकट कटाओ और वापस आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ वेलकम करेंगे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा सवाल उठ गए हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और एज अ नेशन भी हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है। तो ब्रेक से पहले असकल भाई, आप पाकिस्तान की टी शर्ट भी दिखा रहे थे और आप गम व गुस्से का भी इजहार कर रहे थे कि अगर ऐसे खेलना है तो इससे बेहतर है कि आप ना खेलें, कुछ और कर लें। देखिए, बिल्कुल इस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जाती। और अली सलमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये खुद फील्ड में क्रिकेट खेलते रहे हैं, इन्हें भी मालूम है कि क्रिकेट के तकाजे होते क्या हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक बेबी टीम के आगे जिसको 19वां ओवर आमिर ने बहुत ही शानदार कराकर उसको 4 रन दिए अपने ओवर में और उसको रोका, और 15 रन आखिरी ओवर में टारगेट था। हारिस, जिसको आप ये कहते हैं कि जनाब डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है, जिसको आपने पीसीबी ने पैसा लगा के फिट किया, अपने साथ लेकर गए, क्या कहीं से वो आपको कल बॉलर लग रहा था? क्या इस तरह से बॉलिंग की जाती है? क्या उसने उसको जो छक्का लगा आखिरी ओवर में वो फुल टॉस बॉल, जो उसको बाउंड्री लगी वो फुल टॉस बॉल, और जिस तरह से जमीन पे वो गिर रहा था, और कोई गाय गिरा रहे थे, जानवर गिरा रहे थे, कुर्बानी के लिए पहुंच गए थे, क्या कर रहे थे वहां पे? लेकिन कल हम यही जब डिबेट कर रहे थे तो कल आप लोग कह रहे थे कि हम हरा देंगे पाकिस्तान को, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, लेकिन देखें ये हमें कैसे ह्यूमिलेट करते हैं। अली सलमान, पाकिस्तान खौफ ज्यादा हो गया या ऐसा लगता है कोई डील हो गई, IMF ने लगता है कर्जे मंजूर कर दिए और बकाया कर्जे माफ कर दिया अमेरिका कहने पे, इतना ज्यादा जमीन पे गिर गए हारिस। जब जमीन पे गिरे थे जिस पे उनको बाउंड्री लगी है और मैच टाई हुआ है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे हारिस अब उठेंगे नहीं कभी, और नहीं उठते तो अच्छा था। इन प्लेयरों को अब उठने की जरूरत नहीं है, अब ये लेट जाए, सो जाए, या पाकिस्तान आने की जरूरत ही नहीं है इनको, जाए अब ये हमारी जान छोड़े। ये जो दोस्तियां निभाई जा रही है, जिस तरीके से टीम का इंतखाब किया गया, जिस तरीके से लेकर गए, ओ भाई मैंने तो कल भी कहा था ना कि आजम को अगर बेंच में बैठाना है तो बैठा दो, वो प्रेशर नहीं ले रहा, क्यों उसको कुर्बानी का बकरा बना के सारा नजला उसके ऊपर गिरा रहे हो, बैठा दो उसको। अगर आप एक बॉलर इजाफी ले लेते हैं अबरार को और 3 फास्ट से चले जाते हैं, या आप जो है 4 फास्ट आपने खिलाया भी, तो आपको अबरार की कमी तो महसूस हुई। अगर आप जो है शादाब को एज ए बैट्समैन ही खिला लेते और अबरार को फिर भी ले लेते और 3 फास्ट से चले जाते, तो आपको क्या बुराई जा रही थी? ना बैटिंग ऑर्डर आपने सही किया, ना आपने बॉलर सही इस्तेमाल किए, ना आपने टीम का प्लेइंग 11 का सही इस्तेमाल किया। ओ भाई, इस टीम को करना क्या है? और किंग बाबर, कप्तान बाबर, भाई आप कप्तान बन जाए, आप हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे, प्लान भी तैयार है, और प्लान भी तुम्हारा ये है समझने लगे हैं। बाय द वे, हमारी कल क्या डिबेट हुई थी इसे भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे ओवरऑल? नहीं, USA वीक है, मैं देखें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। जो चीज आज पाकिस्तान के लिए है फेवर में वो है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी बातों की, हमारे अल्फाजों की लाज रखे और अल्लाह ताला इस टीम को कामयाब करे। ठीक है, और असकर, मेरे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि USA हमें टफ टाइम देगा आज। अगर तुम्हारी बात सही हो गई तो फिर पाकिस्तान टीम को अगले टिकट से वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर USA भी टफ टाइम देगा तो भाई फिर वो इफी भाई सही कह रहे थे, इफी भाई की सारी बातें मान लो, क्योंकि देखे पाकिस्तान टीम को आप इतना हल्का भी ना लें। तो अली सलमान, आपने सुना कि नकी ने कितनी अच्छी प्रेडिक्शन कर दी थी कि USA हमें टफ टाइम देगा आज। अगर बाबर से ये सवाल हुआ था प्रेसर में, तो बाबर से ये पूछा गया कि USA ने अपसेट कर दिया है, तो बाबर ने कहा कि उसका जवाब तो मैं क्या दूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपसेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं असगर भाई की इस बात से एग्री करता ही नहीं हूं कि कोई IMF की डील हो गई। यार असगर भाई, ये बातें अब आप छोड़ दें, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया से मैच हार गए तो पानी की डील हो गई, इंडिया से मैच हार गए कश्मीर की डील हो गई, भाई इन तिलों में तेल नहीं है। इसी कुर्सी पर तौसीफ अहमद बैठे थे, उस कुर्सी पर ज़ारा वाली कुर्सी पर मैं बैठा था,
था, ये सवाल मैंने तौसीफ भाई से किया, अमेरिका से अगर मैच हार गए यूएसए से तो कल को हम बोलेंगे आईएमएफ की डील हो गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बातें नहीं करेगा, आज आप मेरे बाजू में बैठ गए बातें कर रहे हैं। ये आप लोग जो है ना ये टीम रैप अप नहीं कर रहे भाईजान, ये जो आप ये शर्ट दिखा रहे हैं ना, ये शर्ट एक सेकंड आपने कर ली ना अपनी बात, अब मुझे अपनी बात करने, ये जो आप शर्ट दिखा रहे हैं ना ये पीसीबी ने भेजी है साफियों को, साफियों का मुंह बंद करने के लिए, समझ रहे हैं आप ये बात, ये सारे साफियों का मुंह बंद कर सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चे साफी होते हैं ना, जो सही जर्नलिस्ट होते हैं उनका मुंह कभी आप बंद नहीं कर सकते। मैं तो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मैं इस कलर की भी इज्जत करता हूं, भेजने का मकसद क्या है, इज्जत करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने प्रोफेशनल को छोड़ दूं, मेरा प्रोफेशनल मुझसे कहता है जो सही है वो बात करो, सच है वो बात करो, मुसलमान को नहीं भेजी मैं, पीछे नहीं भाई इनको भी भेज दीजिए ताकि इनको भी मिल जाए, अब देखें इनको मैं 2000 की शर्ट खरीद सकता हूं, हो रही है मैं 2000 की शर्ट खरीद सकता हूं, हमें भेजा है इनको नहीं भेजा, क्यों भेजा भाई, हम क्यों भेजा, हमें भेजा है सुनिए के तौर पे, और हम सच बोल रहे हैं, गलत बात करी नहीं है, हम तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, हम तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला, हम तो नहीं कह रहे, तो पहले वापस आ जाए, हमने आज भी वही बात की है, ओ भाई पीसीबी वाला सलमान को छड़ भेज दो यार प्लीज यार, बात ये है भाई प्लीज यार, अली सलमान को छड़ भेज दो यार, बहुत शुक्रिया यार आप लोग भेज दो यार, खत्म हो गई ना बात, अभी हो गई सारी तकरीर, ऊंचा बोलने से ना दलाइल में जान नहीं पड़ती है, अगर ये 2000 की शर्ट मैं खरीद सकता हूं, पीसीबी ने अगर ये पीसीबी साफियों को भेज रहे हैं ना, ज़ारा साफी नहीं है, अली सलमान साफी नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर सारे साफियों को भेज रहा है इसका मकसद ये है कि पीसीबी अपने मनपसंद साफियों को भेज रहा है, पीसीबी मुंह बंद करने के लिए भेज रहा है, अगर ये बात है आज जो आज कर रहे हैं मेरा मुंह बंद हो गया ना सर, सुन ले भाई, भाई मेरी बात सुन लो, आपको अगर तोहफे के घर में नहीं समझा तो आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, भेज दो यार, भेज दो यार, यार एक दिन सच्ची बात है, भेज दो यार, अरे भेज दो यार, आपके बच्चे की शादी, सुन लेना आपकी बात, सुन लेना आपके बच्चे की शादी, आप पानी पिए, मैं आपको बता रहा हूँ इनके बच्चे की शादी इनकी मर्जी, एज एन इंस्टीट्यूशन पीसीबी को सबको एक नजर से देखना चाहिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि असगर को भेजी, एक्स को भेजी, वाई को भेजी, अच्छा, मैं एक सेकंड मैं असगर पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि असगर को बिके हुए साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीसीबी खरीदने की कोशिश करता है, और पीसीबी अगर एज एन इंस्टीट्यूशन किसी को कोई चीज भेज रहा है तो उसको सबके लिए भेजना चाहिए ना, ज़ारा को भेज रहा है, अली सलमान को नहीं भेज रहा, असगर को नहीं भेज रहा, एक्स को वाई को भेज रहा है, बच्चे की शादी आपका पर्सनल मैटर है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीसीबी अपनी चीजों को अंडर द कार्पेट छुपाने के लिए इस तरह की चीजें करता है, और आज उसका शाफसाना है कि आज हम उसका शाफसाना भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान मैच आ गया, आप ये बोल रहे मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो शर्ट दिखा रहा हूं, मेरा तो मुंह बंद नहीं है, अच्छा, सर एक सेकंड एक्शन, अभी मैंने बात कर दी, मैं बता दूं कल ये बातें आपने क्यों नहीं की कि आईएमएफ की डील हो गई, आज आप ये बातें बैठ के कर रहे हैं आईएमएफ की डील हो गई, इसलिए नहीं आपने बात की कि आपको यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, हमें यकीन नहीं था, हम तो पहले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को असल खतरा किसी भी टीम से नहीं है, पाकिस्तान को असल खतरा अपने कप्तान बाबर आजम से है। जी एब्सोल्युटली, बाबर की तो बहुत सारी वीकनेस कल आया हो गई है, और जिस तरह से बाबर ने कल 4 बॉलर्स खिलाए हैं और अगले बंदे ने पहला ओवर एक स्पिनर से करा दिया था, तो यहीं पर बाबर की कैप्टेंसी एक्सपोज हो गई थी, इस पर भी हम बात करेंगे, और बॉल टेम्परिंग का भी इल्जाम लग गया है हारिस रऊफ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। पाकिस्तान टीम क्यों हारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, और मेन कल्प्रिट कौन है, क्या पाकिस्तान टीम यहां से बाउंस बैक कर पाएगी, ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, सर वेलकम टू द शो, और सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम कल जो हारी है इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत शुक्रिया ज़ारा, ग्रेट अली सलमान को और असगर को बहुत बहुत सलाम जी। यकीन तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, मैनेजमेंट है, कप्तान है, और गैर मियारी क्रिकेट खेल
साजिद साहब, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि बाबर बड़ी स्टेजेस पर क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते हैं व्हेनेवर ही इज नीडेड। बाबर 9 साल से खेल रहे हैं, बाबर ने कब पाकिस्तान के लिए कारगर्दी दिखाई? लेकिन आप क्या समझते हैं कि आगे फिर क्या फ्यूचर है बाबर का, क्या कैप्टेंसी बरकरार रहेगी इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी? बाबर का अरे भाई, आई थिंक कुछ कनेक्शन का इशू है, तो साजिद साहब को मैं दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ। लेकिन मेरा अभी आपसे अली समान ये सवाल है कि अब आपको पता ही है कि हारिस रऊफ पे भी बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर कराया, 16 रन वो डिफेंड नहीं कर पाए, आपको लगता है कि इस जो इल्जाम है इसमें कोई सदाकत हो सकती है? कोई सदाकत नहीं, अगर बॉल टेम्परिंग कर रहे तो पाकिस्तान इस मैच को जीत चुका होता। मसला यह कि इस मैच में पाकिस्तान जो है ना कई मरतबा जो उसने बाउंस बैक किया। अभी तो हमने इस मैच में डिस्कस करें ना, हारिस रऊफ की हमने बात कर ली, आमिर की हमने 19वें ओवर की बात कर ली। भाई सुपर ओवर में आपने क्या किया? आपको कुदरत ने एक मौका दिया सुपर ओवर में, जिसको 7वें नंबर पे आप बैटिंग कराते हो इफ्तिखार को, उसको आप ओपन करा रहे हो किंग बाबर, वो तू मेरा भाई मैं तेरा भाई रिजवान, उसको छुपा दिया उठा के, इसे उस्मान को बुलाया उसको छुपा दिया। सब ये बात कर रहे हैं कि भाई आजम खान का रोल ये है कि 1-2 ओवर 3 ओवर का वो प्लेयर है, उसमें चौके छक्के मारता है। आजम खान को सुपर ओवर में नहीं भेजा, फिर आप शादाब को एज ए बैट्समैन बना के भेज रहे, खुद आप डगआउट में बैठे। आप तस्वीर कर सकती हैं कि इंडिया अगर सुपर ओवर में जाता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो खुद पीछे बैठे रहे और या किसी बॉलर को रविंद्र जडेजा को उठा के भेज दें? सर पाकिस्तान की क्रिकेट में इन तेलों में तेल ही नहीं है, इतनी क्रिकेट खेल सकते हैं। आप यूसुफ को बुरा भला कह लें, आप मैनेजमेंट को बुरा भला कह लें, आप किसी को भी बुरा भला कह लें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन वेंटिलेटर, पाकिस्तान क्रिकेट इज इन डिक्लाइनिंग फेज। असल में ये बुजदिल हो गए, अगर ये बुजदिल नहीं होते तो कल रिजवान ओपन करते, हर सूरत करते और फखर के साथ रिजवान आते, लेकिन ये जो सिचुएशन कल मैंने देखा है ये इज्जत बचाओ मुहिम चली है। और मैं ये समझता हूं कि अब इनको कसम खाना चाहिए कि बाबर रिजवान ओपनिंग नहीं करेंगे, फखर ऊपर नहीं आएगा, अब हमेशा इफ्तिखार से ओपनिंग करवाएं, आप अब हमेशा उस तरफ फखर को भेजें और बाबर यह बताए कि इफ्तिखार को स्ट्राइक में जाने के लिए किसने कहा था, फखर को क्यों नॉन स्ट्राइक में रखा गया, पूरे के पूरे सुपर ओवर में वो नॉन स्ट्राइक में रहा, आखिर ये कौन सी स्ट्रेटजी थी, कौन सा प्लान था, क्या ये पाकिस्तान का प्लान था, ये किसका प्लान था भाई? ये तो इस कौम को बता दो, ये कौम कल रात से सोई नहीं है, ये जाग जाग के इनका बुरा हाल हो गया है, लोगों की बातें सुन के सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है इस ग्रीन शर्ट के साथ, हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ऐसा होगा। इन बुजदिलों को वापस बुलाओ, इन्हें वापस बुलाकर दोबारा ट्रेनिंग कराओ और इस वक्त इनको बाकायदा बूट कैंप में दाखिल कर दो। अभी पिछली दफा जो काकुल में ट्रेनिंग हुई है ना, अब इनकी ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रजाकाबाद में ट्रेनिंग करा दो, ये इनके इनसे सही हो जाएंगे बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि इन्हें तो ये छोड़ के ना कुछ और ही काम कर लेना चाहिए, बिकॉज ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है। साजिद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शाहीन ने सुपर ओवर करवाने से मना कर दिया था, इसलिए फिर ऑप्शन जाना पड़ा मोहम्मद आमिर के। देखिए सुनाए सुनाए पे काम नहीं कर सकते, आपको याद होगा 17 ओवर 19 ओवर आमिर ने किया, आपको गेम में वापस लेके आ गए, जब यकीनी तौर पर सुपर ओवर कर सकता है मोहम्मद आमिर, आमिर नहीं कर सकता था, शाहीन शाह आफरीदी कभी भी मना नहीं कर सकता, ये सिर्फ दो पाकिस्तान की जो कप्तानी से हटाया, जो कप्तान वाइस कप्तानी से हटाया, तो ये लोग उसको गलत कर रहे हैं, मगर वो बंदा बॉल छीन के करने को तैयार है। आपको एक और बात बता चलूं, जब पाकिस्तान के कप्तान ने आगा जब दूसरा ओवर जब किया, पहला ओवर शाइन ने किया है, दूसरा ओवर जब करने आया कौन नसीम, तो उसने कैप उतार दी, एम्पायर के पास चले गया, मगर उसने हारिस को बुलाया, तो ये तमाम चीजें बताने की जरूरत है। 19वें ओवर में चौथी बॉल पे आमिर ने कमर पे हाथ लगा लिया था, तो इससे अंदाजा लगा ले आमिर सुपर ओवर करने की सलाहियत ही नहीं रखता। फिर आमिर ने वाइट बॉलें कर दी है, वाइट बॉलें करने का मकसद ये होता है आपकी फिटनेस उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी, और मेन बॉलर आपका शाहीन शाह आफरीदी था, तो शाहीन शाह आफरीदी से आप करा सकते थे, 19 रन देने का मकसद है। चाहता है इफ्तिखार 4 साल पहले भी सुपर ओवर खेलने गए थे पिंडी के स्टेडियम पे, और 2024 में भी सुपर ओवर खेलने गए, और सुपर ओवर खेलने का मकसद ये है, फखर चौके छक्के मारते हैं, इफ्तिखार मारता है, तो इफ्तिखार लेफ्ट हैंड को जाना चाहिए था, फिर कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, तो सारा कुछ बाबर को सोच समझ के कप्तानी करना चाहिए था। और ये तौर पर दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों ने अमेरिका में मिठाई बांटी है, मिठाई जो ये चीज पाकिस्तान के लक्ष्मिया फिक्री है, मगर अमेरिका ने क्रिकेट अच्छी के लिए उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके कप्तान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बैटिंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान ने कहीं भी फील्डिंग अच्छी नहीं की।
अली सलमान, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि काफी मीम्स तो बन गई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और खुशियों का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब ये कहा जा रहा है खासकर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से है कि इंडिया को हरा के यूएसए का बदला लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंपॉर्टेंट मैच है, ऐसी कोई नहीं है। इंडिया को हरा देंगे तो आप यूएसए का बदला ले लेंगे, इवन आप वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे तो इस जो शिकस्त है ना, इसके जख्म जो है ना वो कभी मुंदमिल नहीं होंगे, इसके जख्म हमेशा हरे रहेंगे, क्योंकि यूएसए से हारना ऐसा है कि ये प्लेयर जिंदगी भर, जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग के लिए आज कितने बड़े बड़े प्लेयर आज रो रहे होते हैं कि यार अब माफ कर दो यार, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ये यूएसए की जो शिकस्त है ना, ये इनको सारी जिंदगी जो है ना इनको इनके जख्मों को ताजा रखेगी। अली सलमान, ये यूएसए से हारने पे क्या जख्म ताजा रहेंगे? हम जिम्बाब्वे से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम आयरलैंड से हारे, और भाई हम तो जख्मों से चूर हैं, हमारे जख्म को कौन सा ताजा रखने की जरूरत है? और ना ही कोई तहकीकात होती है, ना ही कोई तकलीफों के साथ हम भारत को फेस करने जाएंगे। हाँ, जख्मी चूर एकदम मजबूर और मरहम लगा के पट्टी बांध के हम भारत के आगे खेलेंगे और हम ये दावा करेंगे कि हम भारत को हरा देंगे, और इस बुजदिल कप्तान के साथ कौन हरा सकता है? शाहिद आफरीदी हमेशा कहता है कि क्रिकेट जो है वो शेर दिल लोगों का काम है, ठीक है, ये बात उनको समझना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजम खान को आप हमेशा ही डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कल वो न सिर्फ तमाशाई से लड़े हैं, उनका झगड़ा हुआ है, इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है सर। देखिए, मैं हर उस क्रिकेटर का डिफेंड करूंगा जो अपकमिंग होगा। मैं डिफेंड कर रहा हूँ साहिब अयूब को भी, डिफेंड कर रहा हूँ आजम को भी कर रहा हूँ, और आगा सलमान को भी कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाहेली है जो इन्होंने इन खिलाड़ियों को पिक नहीं किया, कॉन्फिडेंस दिया ग्राउंड में। आपके मिसाल में बार बार सरफराज अहमद का क्यों देता हूँ, उसने प्लेयर बनाया कप्तान ने, कप्तान कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कप्तान का काम होता है। आज जितने भी लोग आज सरफराज अहमद को याद कर रहे हैं, यही आजम खान हुआ, ये मुस्तकिल तो उनको खिला रहे हैं। पहले कहा गया कि स्पिन के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन अब तो स्पिन के खिलाफ भी एक्सपोज हो गए हैं। तो ये सारा काम मैनेजमेंट कप्तान का होता है, तो बाहर है मकसद, आप ये जरा ये बात को समझे। कप्तान जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लव कप्तान ऑफ फ्रॉम लीडिंग करना ना है, बॉलिंग चेंज करना ना है, और जो बॉलिंग करने वाले जो टाइमिंग होता है, सेकंड का क्या टाइम होता है, किसको लाना है किसको नहीं लाना। तो ये देखिए जो हारी भाई, ये बताइएगा मुझे कि क्या कल आजम खान को बेंच पे बिठा के उसको सेफ नहीं कर सकते थे? क्या तीन फास्ट बॉलर के साथ जाकर साइम को इन नहीं कर सकते थे? क्या बाबर वन डाउन पे आकर साइम से ओपनिंग नहीं करा सकता था? क्या आजम खान को कुर्बानी का बकरा बनाना, उसके इज्जत का, उसकी रेपुटेशन को सत्यानाश करना, क्या ये जरूरी था या ये कोई साजिश है? देखिए, ये 200% ज्यादती की है किसी भी खिलाड़ी के साथ। दो, उन्होंने बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस जो चौथे इंग्लैंड के खिलाफ जो उसका था, जो कीपिंग नहीं हुई, कैचेस उसने छोड़े, बैटिंग नहीं हुई, उसके बाद उसको खिलाना नहीं था। जब आपके पास अम्माद वसीम नहीं है, साई मयूब बॉलिंग भी करता है और रिजवान विक्टो के पीछे आके कीपिंग भी कर रहा है, तो आप टीम मैनेजमेंट की नाहली है ना, टीम सेलेक्ट नहीं की। और फकर के किस तरह की बात की है, फकर ऊपर आ जाता। और जिस तरह बाबर ने इनिंग खेली है, शदाब ने इनिंग खेली है, मगर ये मैं आपको बताते चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने आउटस्टैंडिंग आउट क्लास किया हर शोबे में, मगर पाकिस्तान ने टीम सही सिलेक्ट नहीं की। साइम अयूब डिजर्व करता था, दुनिया क्रिकेट का पॉइंटिंग तारीफ कर रहा है, उसकी पॉइंटिंग तारीफ कर रहा है, मगर हमने जहां उसको खिलाना था उसे कारगर्दगी लेनी थी, या उन्होंने कारगर्दगी नहीं ली और आजम खान का कैरियर उन्होंने खत्म कर दिया है। अब आजम खान को आप कितना मौका देंगे? आजम खान अंडर प्रेशर आ गया, बल्ला भी मतलब ये कि बाबर ने, मतलब ये कि आप ये मान रहे हैं कि बाबर ने आजम के खिलाफ साजिश की? देखिए, बाबर की बात हो रही है, बाबर देखें ना, बाबर आपके सामने है। इंग्लैंड में अगर मैं 3 कैच छोड़ दूंगा, 0 करूं, अगले मैच में मुझे आप कीपिंग कराएंगे, पहले तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें। आदम ने कीपिंग नहीं की, रिजवान ने कीपिंग की, तो वो डिजर्व नहीं करता था, इसलिए साइम को जाना चाहिए था। और एक तरफ बड़ी बाउंड्री है, एक तरफ छोटी बाउंड्री है, जैसा कि हमने बहुत पहले कह दिया था, ये पिच जो है बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज, मगर बैटिंग पैराडाइज का ये मतलब थोड़ी है आप चौके छक्के मारे। दोनों टीमों में वाजे फर्क अबरार का था। आपको पता वो पार्ट टाइम बॉलर है, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलता है, जिसने 3 विकेटें ली है, जिसने पाकिस्तान टीम का जनाजा निकाला है ना, वो पार्ट टाइम है, वो आईटी का प्रोफेसर है वो।
यही तो मसला है, उसने आगे आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दी और स्टार बन गया, वर्ल्ड क्लास बन गया। वर्ल्ड में जो शिरकत पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी हुई है ना दुनिया में, मैं बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान 75 से 2024 खेल रहा है, 99 का फाइनल आ रहा है, उससे पहले अफगानिस्तान से रही हार, ऐसी हार है पाकिस्तान के क्रिकेटर को खुश शर्म से खाना नहीं खाना चाहिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, अली सलमान भाई, हम फैसलाबाद में, फैसलाबाद से हटके हमारे इकबाल कासिम साहब ने रात भर खाना नहीं खाया। तो ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान में होना चाहिए जो हर के बाद सबक लें, हर के बाद तो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खाने पे बात की आपने साजिद भाई, डिनर तो आज भी है, टीम न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है शाम 7 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, डिनर तो आज भी है, कोबाई तो आज भी नजर आएंगे भाई। भाई ये मसला रकमिया फिक्रिया है, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने चंद पसंद जर्नलिस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छटे दे देता है, गेव दे देता है, ये पाकिस्तान नहीं नहीं बात ये देखे भेजे ना भेजे, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। समी बंदी की रजा की बात करूं या शकील की बात करूं, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 84 से जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर दोहरी पॉलिसी से काम कर रहा है। आलिया रशीद ने बहुत अच्छा काम किया था, उसने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा काम किया। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात करें, आप देखिएगा यही पाकिस्तान होगा, और मुझे उम्मीद है और मुझे लगता भी ऐसा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेगा। आई थिंक कि बाबा और ये तमाम चीजें मतलब रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम मुनांग पटेल से कैप्टन नॉक खेलते कैसे हैं? देखिए मसला ये नहीं कौन कैसे खेलता है, मसला ये कि पाकिस्तान के पास चांस कितना है। अमेरिका एक मैच और जीतेगा और फाइनल 8 में चला जाएगा। इंडिया को अगर आप ये कहेंगे फाइनल 8 में नहीं जाएगा तो ये मेरा ख्याल ज्यादती होगी, वो 95% उसी का ही चांस है जाने का। तो पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा हुआ अब ये देखना है। यस, अगर यूएसए एक और मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे अली सलमान और असगर अजीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और साजिद साहब भी हमारे साथ फ्रॉम द यूएसए ऑन बोर्ड थे, पैनल का हिस्सा भी हैं, थ्रू आउट द ट्रांसमिशन भी हमारे साथ रहेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम का अगला लाहे अमल क्या होता है, टीम कैसे बाउंस बैक करती है। बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें तो नहीं है, बट हमारे होप्स स्टिल अलाइव है। कल होती है आपसे मेरी मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।